उसे अभी के लिए बहाना पड़ेगा परवीन। तबीजी के दिए गए तीनों जंगे मरमर तीरों का हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब अगर फिर से ये बदल गया तो फिर हम इसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा मेरे बेटे के साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होता रहेगा मेरे बेटे के साथ? परवीन, शुक्र मना कि कल अमन की सगाई है। एक बार वो लड़की अमन की जिंदगी में आ गई ना तो ये जिन का साया उस पर कभी नहीं आएगा। आज के हादसे के बाद जब अमन को होश आएगा और वो हमसे फिर से पूछेगा गुजरे नक्कल के बारे में, हम क्या जवाब देंगे? हम फिर से टाल देंगे परवीन, टाल देंगे, लेकिन उसके गुजरे हुए कल के बारे में हम कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं। प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये स्टोरी आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब अमन के डैड मिस्टर जुनैद खान लखनऊ में नहीं उन्नाव में रहते थे। अगली बार मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तेरी इस हवेली को ताला लगा दूंगा। ओल्ड टाइम नवाबों के पास तीन चीजें होती थी, दौलत, इज्जत और शराफत। जुनैद खान की दौलत तो जा चुकी थी एंड एज यूजुअल दौलत के साथ इज्जत भी चली गई थी। रही शराफत तो आज की पिटाई में जुनैद खान सिर्फ इंजर्ड हुए पर शराफत मर गई। किस्मत को मेरे आगे झुकना होगा, उसे मुझे दुनिया का सबसे रईस, सबसे दौलतमंद इंसान बनाना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुमसे वादा किया था परवीन की तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा। हमारे बच्चे गरीबी में नहीं पलेंगे। जुनैद खान ने स्टोरी सुनी थी कि जिन के पास जाकर जो मांगो वो मिल जाता है, और जुनैद को पता था कि जिन हेल्प नहीं करता, सौदा करता है, वो जो मांगे देना पड़ता है, और जुनैद दौलत के लिए कोई भी कीमत देने को रेडी था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो जिन के पास जाएगा। मरकब मरकब सावी जावा।
मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तब जुनैद को भी नहीं पता था कि जिन इतनी बड़ी कीमत मांग लेगा। जिन ने जुनैद से उसकी पहली औलाद मांगी। मंजूर है। तुम्हें मेरी पहली औलाद चाहिए ना? मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो बस। अमन की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी। जुनैद खान ने अमन को जिन को सौंपने का प्रॉमिस किया और बदले में जिन ने जुनैद को सुपर रिच बनाने का रास्ता दिखाया। मॉर्निंग बाजीगर। बाजीगर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गाड़ी की सच्ची मेरा यकीन मानी, मेरी गलती नहीं थी, उस लंबी गाड़ी वाली की गलती थी। एक तो लखनऊ में कोई कल्चर की इज्जत ही नहीं करता है, मतलब पतंग उड़ा लो, फायर उड़ा लो, उसने तो मेरी गाड़ी उड़ा दी और उड़ा के गिरा भी दी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, वो जरूर कोई जिन था, सच्ची वो कोई जिन ही था। मेरी गाड़ी मेरी वजह से आपको ये चोट मेरी वजह से लगी है। अमन बस जो हुआ उसे भूल जा, जो होने वाला है उसके बारे में सोच। क्या? तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। आप लोग अब भी मेरी एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं? वाकई भूल गई हैं कि कल क्या हुआ था आप?